क्लियर आ रहा है? एक बारी बता दीजिए, थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। चलिए क्लियर है दीप्ति, बता दीजिएगा। तो हम आज डिस्कस करने वाले, पहले तो हम डिस्कस कर लेते वो वाला टॉपिक जो हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, हमारा वो वाला वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला जो बचा हुआ है, हम आज डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पहले हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला जो बचा हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पूरा एक मिक्स्ड बचा हुआ है ये वाला कंचनजंगा। उसके अलावा 7 नेचुरल बचा हुआ है और 1-2 बचा हुआ है हमारा कल्चरल वाला। तो सारा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा जून का बचा हुआ मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ तक देखो, अभी अभी तक क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बारी बता दे रहा हूँ, हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत। ओके ओके, हिल 40 सब डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा साइट है, ध्यान देना, नेक्स्ट हमारा साइट है सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में है। सन टेम्पल की बात करें, देखो हम जब एक चार धाम की बात करते हैं, चार धाम में पुरी आता है। पुरी में जो चार धाम है ना, जगन्नाथ पुरी जब हम बात करते हैं तो चार नाथ का पार्ट है जगन्नाथ पुरी, लेकिन कोणार्क का सन टेम्पल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट। ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। कोणार्क में जो टेम्पल है वो सन, भगवान सूरज का टेम्पल है, ये याद रखना है। पुरी के पास है, जो हमारा सैक्रेड सिटी है, जो हमारा पवित्र शहर है, पुरी पुरी के जस्ट पास में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भाई, कोणार्क सन टेम्पल है, उसको बनाया किसने था? तो आप बता देना, 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में किंग नरसिम्हदेव ने बनाया, किंग नरसिम्हदेव वन ने बनाया, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, जैसे ही कोई कोई भी टेम्पल बनता है, देखो यहाँ पे लिखा है, इट्स स्केल रिफाइनमेंट एंड कॉन्सेप्शन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ गंगा एम्पायर, यानी किंग जो नरसिम्हदेव वन थे वो गंगा एम्पायर थे। और कोई भी, देखो कोई भी राजा जब भी टेम्पल बनाता था ना, टेम्पल से उसके अथाह शक्ति के बारे में पता चलता है। ओके ओके दीप्ति, हाँ मैं वही आप लोगों से पूछ रहा था कि और क्या क्या है। मैं वही आप लोगों से पूछ रहा था। ठीक, तो पक्का ऐड करूंगा। चलिए, तो गंगा एम्पायर से कभी भी कोई भी राजा, कोई अंपायर अगर कोई टेम्पल बनाता था ना, टेम्पल से उसके शक्ति का पता चलता है, वहीं से उसका पता चलता है। और इसको उसने क्या किया, ये बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लिंक है ब्राह्मिनिज्म और तांत्रिक बिलीफ सिस्टम का लिंक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, इसको 1984 में दर्जा मिला था, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? कोणार्क टेम्पल। नेक्स्ट है ताजमहल, के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके थे। द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्बूजियर, देखो ये इंसान है ना, ये इसका आर्किटेक्चर इंडिया में कौन सा है, तो यानी ध्यान देना, हमारा जो चंडीगढ़ की सिटी को हम जो बोलते हैं ना, ध्यान देना, चंडीगढ़ सिटी एज ए ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, ध्यान देना, चंडीगढ़ सिटी की तरह और भी जितने शहर इनके द्वारा बनाए गए हैं उस सब को दर्जा मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, होल एज ए होल हम बोल सकते हैं कि इन्होंने जितने भी सिटी बनाए हैं सबको मिला के टोटल 17 साइट है 7 देशों में, इन सबको मिला के वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। आप ऐसा नहीं बोलना कि चंडीगढ़ सिटी को अकेले वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, ऐसा नहीं है, समझ में आ गया? तो चंडीगढ़ में और क्या क्या है, देखो चंडीगढ़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है इन्होंने ही बनाया है, तो इनके काम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। इनके काम जितना भी टोटल 17 साइट का फॉर्मेशन इन्होंने किया ना, उन सबको मिला के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम बोलते हैं। तो अब एक बारी चीज हम देख लेते हैं कि हमारे जो चंडीगढ़ में कौन कौन से प्लेस इन्होंने बनाए हैं। तो पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट और सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग,
असेंबली और एंट्री गेट असेंबली का तो है ही, ओपन हॉल्ट हैंड मॉन्यूमेंट ऐसा जो दिखता है, क्लियर, टावर ऑफ शैडो ऐसे ही बनाया गया है, और ज्योमेट्रिक हिल, ये सब उनके द्वारा बनाए गए, ये सारे स्ट्रक्चर उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो ये सारे देखो, इसमें याद रखना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के सब साइट को मिला के वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला, नहीं, इवन चंडीगढ़ के साइट तो है ही, सात और देश के कुछ साइट है जो इन्होंने बनाए हैं, उस सबको मिला के हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हाँ, इसमें कौन कौन से है, यहाँ हमने देख लिया सारे कल्चरल साइट है। नेक्स्ट, जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, 2010 में इसको साइन किया गया, जंतर मंतर का पिक्चर आप देख सकते हो ऐसे है, क्लियर, 18th सेंचुरी में बनाया गया है, और एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखो उस समय भी लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन की, उस समय भी बात करें 18वीं शताब्दी में, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहा होगा उस समय का। नेक्स्ट, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ द मुंबई। देखो विक्टोरियन गोथिक ये है स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर और बहुत सारे ऐसे आर्ट डेको का मतलब सिंपल ऐसा होता है कि बहुत सारे आर्ट में ब्रिटिश और इंडियन फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखो ये एक बिल्डिंग है, जैसे आप ब्रिटिश आप विक्टोरियन गोथिक ये जैसे आप बॉम्बे हाई कोर्ट देखोगे या यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कॉम्पस देखोगे, राजा भाई क्लॉक टावर देखोगे, इस सब से क्या पता चलता है, ये सब किस स्टाइल के, विक्टोरियन गोथिक स्टाइल की है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो द साइट इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग डिजाइन इन विक्टोरियन नियो गोथिक स्टाइल इन 19th सेंचुरी और आर्ट डेको। आर्ट देखो, आर्ट डेको का मतलब सिंपल है कि इसमें क्या किया गया, ब्रिटिशर्स वाला विक्टोरियन स्टाइल को इंडियन के साथ मर्ज किया गया, बस इतना ही ध्यान रखना है। बहुत सारे बिल्डिंग हैं, देखो यहाँ पे द आर्ट डेको एडिफाइज विद देयर सिनेमाज और रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है, ब्लेंड इंडियन डिजाइन विद आर्ट डेको इमेजिनरी, मतलब जो ये भी उनका स्टाइल था उसमें इन्होंने ब्लेंड किया इंडियन स्टाइल को, क्लियर, और इसीलिए कहीं कहीं जो ब्लेंड वाले पार्ट को हम इंडियन डेको बोलते हैं। आर्ट डेको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जब बिंड ब्लेंड करता है ना इंडियन के साथ, तो उसको हम इंडो डेको बोलते हैं। ये सारे ध्यान रखना है, ये सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, क्लियर। तो हमारा कल्चरल वाला पूरा खत्म हो गया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, देखो सारा कल्चरल वाला खत्म हो गया, अब हमें नेचुरल डिस्कस करना है, जैसे ग्रेट हिमालय, नंदा देवी, उसके अलावा मनास, काजीरंगा, सुंदरबन, और उसके बाद यहाँ पे कियोलादो नेशनल पार्क, और कितना हुआ देखो, एक नेचुरल बचा है ग्रेट हिमालय, दूसरा नेचुरल नंदा देवी, तीसरा मानस, चौथा काजीरंगा, पांचवा सुंदरबन, छठवा कियोलादो नेशनल पार्क, क्लियर, और एक और है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, मतलब टोटल देखो टोटल 30 है कल्चरल साइट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद 7 है नेचुरल साइट और 1 है मिक्स्ड, मिक्स्ड तो ये है कंचनजंगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया जो चंडीगढ़ वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले बताइए, इतने में कोई इशू तो नहीं है ना, हमें अभी डिस्कस करना है सारा, इसमें थोड़ा सा डिटेल में मैप वगैरह के यूज हम लोग कर लेंगे। कोई इशू तो नहीं है ना दीप्ति, बताइए किसी को कोई दिक्कत, हाँ दिक्कत हो तो बताइएगा, और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ताकि और लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए अब सीधे हम चलते हैं, हम अपना नेचुरल साइट नेचुरल साइट में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ध्यान देना, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है कंजर्वेशन, ग्रेट हिमालय से आपको लगेगा यार ये तो जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है, लेकिन नहीं, ये है पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश में,
इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बोला जाता है। इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली थ्रेटन भी हो गए हैं। यहाँ पे ग्लेशियर आपको मिलेगा, स्नो मेल्ट वाटर सोर्स मिलेगा, बहुत सारे इवन रिवर का सोर्स है, ये है हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा पूरा का पूरा। क्लियर? अल्पाइन पीक है यहाँ पे, अल्पाइन मीडोज है, रिवरिन फॉरेस्ट है, इवन बहुत सारे फॉरेस्ट है यहाँ पे, ध्यान देना। हाय शोमिता, देखो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हम देखेंगे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, मिल्ट वाटर वहाँ रिवर के, बहुत ज़्यादा रिवर के सोर्स मिलते हैं, अल्पाइन पीक मिलते हैं, इतना सब कुछ है वहाँ पे, बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं, इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का लोकेशन देखो तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क का लोकेशन, आपसे सिंपल इसमें क्वेश्चन फंसाने के लिए बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन फंसा सकता है। सिंपल पूछेगा ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में या साउथ में, भाई ब्रह्मपुत्र के साउथ में काजीरंगा नेशनल पार्क। और कुछ और प्रोटेक्टेड साइट के बारे में देख लेते हैं, डिब्रू साइखोवा ये भी है साउथ में, होलोंगर गिब्रोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ए भी है साउथ में, उसके बाद लाइखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ए भी है साउथ में, ओरंग नेशनल पार्क ये है नॉर्थ में, और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर बात करें इस एरिया में, एक तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और एक है काजीरंगा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोई इशू तो नहीं है बताइए, इसमें इशू नहीं है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये इसका लोकेशन क्या है, आसाम में ऑब्वियसली, और ब्रह्मपुत्रा वैली के फूड प्लेन में, और ध्यान देना लीगल स्टेटस को कैसे कैसे मिला। आपको क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ जो काजीरंगा नेशनल पार्क हो जहाँ पे वन हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा मिलता है, वन हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वन हॉर्न राइनो का जो जहाँ पे लोकेशन, इसको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है? नहीं, इवन मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसको नेशनल पार्क भी है ये, टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। और एक और चीज़ आप बोलोगे भैया इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन घोषित करता है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक एनजीओ है, मतलब एनजीओ नहीं बोल सकते, बहुत सारे एनजीओ का ग्रुप है। कोई दिक्कत है तो बताइए, इतने में कोई इशू तो नहीं है ना? चलिए सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क को लीगल स्टेटस क्या क्या मिला, नेशनल पार्क का दर्जा मिला, फिर टाइगर रिजर्व का, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया भी है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्योलादो नेशनल पार्क। क्योलादो नेशनल पार्क क्लियर राजस्थान में है, ठीक है, और हाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन है आप देखो, इवन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इवन रामसर साइट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है, हमने कल डिस्कस किया था ना, साइबेरियन क्रेन यहाँ पे मिलता है, और बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे बर्ड के मिलते हैं, और एनिमल भी बहुत ज़्यादा, जैकाल सांबर नीलगिरी नीलगाय सॉरी वाइल्ड कैट हाइनाज वाइल्ड वोर और ये सभी मिलता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे वाटर स्पीसीज मिलते हैं, बहुत सारे ये बहुत सारे इवन यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं, और बहुत नॉन माइग्रेटरी बर्ड भी होते हैं क्योलादो नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्या है, मनास। अभी तो हमने लोकेशन देखा, मनास ये यहाँ पे है। क्लियर? ये भी आसाम में है। और देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मनास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसका कुछ पार्ट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं मनास का ही एक्सटेंशन भूटान में ही भी है, ये हमें याद रखना है, मनास का ही। रामसर साइट देखो, रामसर देखो बहुत सारे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड मतलब जो थोड़ा गीला लैंड होता है, सिंपल समझो ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर में एक बार मीटिंग हुई 1971 में, रामसर है ईरान में, कि मीटिंग हुई कि हम वेटलैंड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसने बोला कि सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर लैंड को डेजिग्नेट करेंगे कि ये वेटलैंड है किसके लिए, नेशनल इम्पॉर्टेंस का बिल्डिंग है, नेशनल इम्पॉर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी वेटलैंड है और इसको प्रोटेक्ट किया जाए, यही होता है।
रामसर साइट जो है ना दीप्ति, वो सिर्फ एक वेटलैंड के लिए है। रामसर साइट मतलब सिर्फ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का मतलब वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखा जगह नहीं होना चाहिए, वेटलैंड्स होना चाहिए, क्लियर। और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो वाइल्ड लाइफ का मतलब बोलते हैं हम किसी पर्टिकुलर जानवर वगैरह के लिए बोलते हैं, किसी वाइल्ड लाइफ के लिए बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे जो होता है ज़्यादा सख्ती नहीं होती, सख्ती नहीं होती, मतलब यहाँ पे आप थोड़ा जाके घूम भी सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। नेशनल पार्क में हम ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ जानवर को प्रोटेक्ट करते हैं। एक वीडियो में आपको बताया हूँ लूसेंट वाले में, जब तीनों को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे डिफ्रेंशिएट, जानवर को ज़्यादा। देखो नेशनल पार्क में सिर्फ आप जानवर को प्रोटेक्ट नहीं करते, आप जानवर के अलावा लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करते हो, कोई जगह आपको अच्छा लग रहा है नेचर वाला जो चीज़ है उसको भी प्रोटेक्ट करते हो इसलिए। हाँ चलो, एक ये मैं बताया हूँ, आप देख सकते हो लूसेंट वाले में मैं तीनों को अच्छे से वो किया था, ठीक है ना। चलो किस दिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो किसी दिन एक बारी और हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत हो रही है इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, आसाम में मिलता है, और ये मनास टाइगर रिजर्व का पार्ट है, ऑब्वियसली मनास रिवर के पास में ही है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, और बहुत सारे इवन बहुत अच्छा है, क्या क्या, टाइगर, ग्रेटर वंड हॉर्न राइनो, स्वैम्प डियर, पिग्मी हॉग, बंगाल फ्लोरिकन्स, ये सब मिलते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मनास देख लिया, तो मनास नेशनल पार्क के बारे में देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मनास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो टोटल होते हैं 545 अभी, लेकिन अगर मान लेते हैं, ध्यान देना, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और सिर्फ हाँ, तो उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा सकता है। ये एक चीज़ समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो फिर नेशनल पार्क नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिएगा, ये आराम से हो सकता है, समझे ना। अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो बाद में उसे नेशनल पार्क भी बनाया जा सकता है। नेशनल पार्क बनाएगा ना तो ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा, उसको ज़्यादा सख्ती बरता जाएगा कि नहीं अब नहीं जा सकते उसमें आप घूमने वगैरह, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमने मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो देख ली, हम मनास नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहीं पर इसी को अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका है। तो देखो ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हिमालय के फुटहिल्स पे मिलता है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और मनास जो रिवर है ना वो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और भूटान के बीच, ये याद रखना है। बाकी चीज़ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्या क्या मिलता है ये सब, ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट, नंदा देवी, दो नेशनल पार्क है, एक नंदा देवी नेशनल पार्क और दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर, बहुत ज़्यादा फ्लावर वहाँ पे मिलता है, ये दोनों नेशनल पार्क है। ये दोनों नेशनल पार्क मिलते हैं आपको उत्तराखंड में, क्लियर। देखो इसमें अगर आपको, देखो इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप इस बात नहीं भी याद होता है तो जब हम स्टेट वाले डिस्कस करेंगे ना तो आपको रिवाइज तो वहाँ पे ही होना ही है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कुछ बहुत टफ लग रहा है तो छूट ही जाएगा, नहीं फिर से रिवाइज होना ही है स्टेट वाले में, जैसे हम केरला का किया है उसी तरह आगे भी करेंगे आज, ठीक है, ठीक है। और नेशनल पार्क है और हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है, वेस्टर्न हिमालय पे, ऑब्वियसली उत्तराखंड तो वेस्टर्न हिमालय ही होगा ना। और नंदा देवी नेशनल पार्क मतलब हाई माउंटेन रेंज है। और एक और चीज़, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है नंदा देवी, क्लियर। और क्योंकि देखो सबसे टॉप पे आता है एवरेस्ट, लेकिन एवरेस्ट आपको पता है कहाँ पे है, एवरेस्ट तो है वहाँ पे ना नेपाल में, उसके बाद आता है काराकोरम K2, तो K2 पूरी तरह इंडिया में नहीं है ना जो काराकोरम है। और उसके बाद जो इंडिया में सबसे टॉप आता है वो है कंचनजंगा, जो बिल्कुल डिस्प्यूटेड ना हो क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, करेक्ट बोला, कंचनजंगा सबसे टॉप पे आता है, उसके
साइलेंट वैली, करेक्ट बात, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, हम लोग डिस्कस किया था ना आज। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं, आपको पूरा का पूरा वैली में फ्लावर ही देखेगा। चलिए, और तो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल पार्क का दर्जा नंदा देवी को कब मिला? 1982 में। क्लियर, नंदा देवी ऑलमोस्ट इतना ऊपर है। क्लियर, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो स्टार्टिंग में इसका संजय गांधी नेशनल पार्क नाम था, बाद में नंदा देवी नेशनल पार्क पड़ गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है सुंदरबन, दो और बचे हैं, मतलब दो ही बचे हैं, दो बचे हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन ऑब्वियसली आपको पता है कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, गंगेटिक डेल्टा के पास में है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला 1987 में। और एक और चीज़, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के में ये है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में, और इसका डेल्टा जो बनता है किन तीनों रिवर से बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर से बनता है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा साइट है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट है जो है सॉल्ट टॉलरेंट, मतलब कि वो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और बंगाल टाइगर वहाँ पे मिलता है, और क्रोकोडाइल वहाँ पे मिलता है, इंडियन फाइथन्स मिलता है वहाँ पे, और भी चीज़ें मिलती है जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन, ओलिव रिडली टर्टल्स, ये सारे चीज़ मिलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट के बारे में तुम्हें पता ही है, लोकेशन देख लो पहले वेस्टर्न घाट का, ये लोकेशन गुजरात से लेके ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सब ये वेस्टर्न कोस्ट में है। एक्सटेंडिंग 1500 से 1600 किलोमीटर, एलिवेशन इसका 600 मीटर से एवरेज एलिवेशन। लेकिन अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न घाट का, आप बता सकते हो वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्टर्न घाट का बताइए आप मुझे, सिक्स स्टेट में है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, कि वेस्टर्न घाट सिर्फ 5 स्टेट में फैला हुआ है, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 स्टेट में फैला हुआ है। क्लियर, बहुत सारे यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, और वाटर बहुत सारा है, मतलब वाटर के सोर्स है, ऐसे ऐसे जाते हैं बहुत सारा, मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है, और रिटेन्स ओनली 7% ऑफ वन, मतलब टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका सिर्फ 7%। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में और ये भी मैंने जब केरला वाला में किया, तो आज मैंने ये बात करा है ना, वर्ल्ड्स हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाटी है। तो मैं आज जब केरला वाला कराया था तो ये भी क्वेश्चन पढ़ाया था, और ये भी कराया था जो अभी दीप्ति करेक्ट बोली, अनाई मोटी, सही है, ठीक है ना, ये कुछ ये सब तो मैं करवा ही चुका हूँ, हो ही गया। ठीक है, वेस्टर्न घाट ये सब हम देख ही लिए, इसमें कोई जरूरत नहीं, बहुत सारे स्पेसिस मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं इसीलिए। अब लास्ट है मिक्स्ड, मिक्स्ड कौन सा है? कंचनजंगा मिक्स्ड नेशनल पार्क। कंचनजंगा में इवन बहुत सारे वहाँ पे टेम्पल वगैरह भी है, और तो कंचनजंगा टेम्पल वगैरह तो कल्चरल साइट हुआ और नेचुरल साइट भी है, क्योंकि नेशनल पार्क भी है वहाँ पे माउंट कंचनजंगा पे। क्लियर, बहुत सारे ग्लेशियर भी है वहाँ पे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ऑलमोस्ट 25% है पूरे सिक्किम का। हाँ, महेंद्रगिरी, और नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है वो बता सकते हो? नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी का, चलो तो कंचनजंगा भी हमारा हो गया। अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं वो पाला पार्ट, कुछ दिन हम डिस्कस कर ले रहे हैं आज में, देखो तो सारा हो गया हमारा। हाँ, एक वेस्टर्न घाट था हमने छोड़ा था, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट डोडा बेटा, करेक्ट करेक्ट, तो ना सारा हो गया वेस्टर्न घाट,
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर दोनों अलग अलग है, मतलब पास में ही है लेकिन दोनों अलग अलग है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन यहाँ पे है, और वेस्टर्न घाट भी हो गया, ये भी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब हम कुछ दिन जो बचा हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ही डिस्कस करते हैं नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। वो यहाँ से हमें डिस्कस करना है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे ये मनाया जाता है 8 जून को, 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। और क्यों? ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके लोगों के में कि यार ओशन का कितना ज़्यादा बेनिफिट है, कितना ज़्यादा बेनिफिट पा सकता है ह्यूमन बीइंग। तो आप बोलोगे कि क्या इतना ज़्यादा अगर ओशन के बारे में हम सोचते हैं तो क्या हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ओशन के बारे में जिक्र किया गया है? हाँ, हमारा गोल नंबर जो 14 है वहाँ पे बात किया गया है, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन सी एंड मराइन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ओशन को साफ सुथरा रखना कि उसने यहाँ पे दे दिया है किसमें, सस्टेनेबल गोल नंबर 14 में, SDG 14 में। क्लियर? 8 जून को मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। काम याद नहीं रखना है, याद रखना है थीम। थीम क्या था 2020 का? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। क्लियर? क्योंकि देखो बहुत सारा, इवन हमारा एग्जाम है वो जून से पहले होगा, मई वगैरह में, तो आपको 2021 वाला तो थीम आया नहीं होगा, तो 2020 वाला ही थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। ये इसको डिजाइन कौन किया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2008 में। ठीक है, इसमें वही बात लिखा गया है। हाँ देखो, देखो कॉन्सेप्ट को डिजिग्नेट कब किया गया इस दिन को, 2008 को, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे बात बहुत पहले से चल रही थी। एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पता है इसमें क्या पूछा हुआ था एक बारी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है अर्थ समिट। कब हुआ था? 1992। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो। इसको ब्राजील समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। फोक थीम क्या है इस बारी का? कि प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। समझ में आया? चाइल्ड लेबर पे फोकस करना है सबसे ज्यादा, प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, और कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। क्या क्या इफर्ट कर सकते हैं? आपको पता है चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कैलाश सत्यार्थी जी, कैलाश सत्यार्थी जी का एक आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 2-3 साल पहले। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज किस फील्ड में? पीस के फील्ड में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज़ आप इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ओपन किया? तो उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। अब ILO आपको पता है ILO का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1919 के आसपास। क्लियर? इवन यूनाइटेड नेशन से पहले की बॉडी है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है ILO के बारे में। एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या चाइल्ड लेबर के बारे में हम अपने हमारे गोल में दिया है, सस्टेनेबल गोल में? हाँ दिया है, गोल नंबर टारगेट है 8.7। सिंपल करना ना, गोल नंबर 8 में, 8 के अंदर है, बस इतना है। ठीक है,
और आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा लॉ है चाइल्ड लेबर के लिए। तो आपसे ILO का दो कन्वेंशन याद कर लो, पूछेगा ही पूछेगा, पूछे हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुआ था कि ILO का कन्वेंशन नंबर 138 किसके बारे में है, या फिर पूछा हुआ था ILO का कन्वेंशन नंबर 182 के बारे में, किसके बारे में। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया, इवन UPSC में ही पूछा गया, क्लियर। तो इसीलिए तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 138 क्या है कि मिनिमम एज फॉर एडमिशन, मतलब मिनिमम एज कितना होना चाहिए तब आप जाके जॉब करो, क्लियर ना। और ILO का 182 क्या कहता है, 182 कहता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का सबसे गंदा फॉर्म कौन है? क्लियर। तो ये दो आपको गोल याद हो जाने चाहिए, मतलब दो आपको गोल याद हो ही नहीं होने ही चाहिए, मतलब दो कन्वेंशन, क्लियर। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, इसमें इतना हो गया, क्वेश्चन देख लेते थे। देखो यहाँ पे दीप्ति आपने जो पूछा है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो लाती है ना, वो लाती है UNDP। तो आपको UNDP का ऑर्गेनाइजेशन पूछना चाहिए, वो है एक्चुअली हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर आप पूछ रहे हैं, मतलब। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो लाती है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, देखो 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ताकि अवेयरनेस जनरेट कराया जा सके ब्लड डोनेट करना कितना अच्छा बात है। दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके, एक है पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलके ब्लड डोनर डे मनाती है, #DonateBlood, क्लियर। और पेशेंट गेट वे, ये तो नॉर्मल बात है, गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड हेल्थियर प्लेस, 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल विंड डे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मनाती है, 15 जून को मनाया जाता है, विंड यूरोप और GWEC के द्वारा मनाया जाता है। ज़्यादा फुल फॉर्म याद हमें करने की ज़रूरत नहीं, विंड यूरोप सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, क्लियर। इसलिए किया जाता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विंड एनर्जी का, विंड एनर्जी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विंड एनर्जी से हम बाकी जो कन्वेंशनल फ्यूल को यूज करना बंद कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं हम, जिससे क्या होगा, डी कार्बनाइज हम और हमारा इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, कार्बन का यूज कम से कम, जॉब को ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, ग्रोथ। इसलिए तो विंड यूरोप के जो CEO है वही कुछ बोलते थे कि ऑन शोर विंड जो आप यूज करते हो वो सबसे सस्ता पावर जनरेट करता है यूरोप में, क्लियर, और बहुत सस्ता हो जाता है, यही वो बात कर रहे हैं। इसलिए यही है ग्लोबल विंड डे, इसके लिए जो वेबसाइट है। चलिए वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, यह मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया में, ताकि अवेयरनेस जनरेट कराया जा सके कि एब्यूज करना गलत है, जो हम लोग एल्डर को नेगलेक्ट करते हैं या फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है, गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको एक्नॉलेज करती है, है। और आज का हम लास्ट डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, क्लियर। 17 जून को मनाया जाता है ताकि हम अवेयरनेस जनरेट करा सके कि भाई डिजर्टिफिकेशन सही नहीं है और ड्रॉट भी सही नहीं है, इससे पोवर्टी होता है। थीम क्या है इस बार का, फूड फीड और फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, बोले FFF3 इस बार का थीम है फूड फीड फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, कि हम सिर्फ कंजम्पशन पे फोकस नहीं करें, हम अपने लैंड के हेल्थ पे भी फोकस करें, क्लियर। और इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि क्यों है इस दिन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने
जो कि जो जनरल असेंबली है, इसी दिन के दिन मतलब 17 जून को ही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन को ड्राफ्ट जारी किया था, ठीक है ना। इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको 1994 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये लीगल बाइंडिंग, ध्यान देना ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की जो लीगली बाइंडिंग है, तो ये लीगली बाइंडिंग है। कैसे भाई? अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो आप इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको पूछा जा सकता है, जो एजेंडा 21 में बात हुई थी, रियो कॉन्फ्रेंस में एजेंडा 21 आया था ना, एजेंडा 21 में इसकी बात हुई थी, किसका? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये याद रखना है, क्लियर। 2006 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर फॉर डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, ये हमें याद रखना है। एरिया कौन, फेमस फोकस एरिया कौन है? एरिड, सेमी एरिड, ऐसा थोड़ी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही उस एरिया को फोकस करेंगे, नहीं, ऐसा कोई फर्क क्यों फायदा, ठीक है, बताइए, क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर, हम लोग कल सेम टाइम पे 4:30 पे, कल देखो कल हम क्या डिस्कस कर लेंगे, जून वाला पूरा डिस्कस कर लेंगे, और जुलाई में थोड़ा बहुत बचा हुआ ना, मतलब जुलाई का थोड़ा ही है, तो जून और जुलाई पूरा हम कल डिस्कस कर लेंगे, हमारा जो आज थोड़ा कम हुआ है, तो आज जून का पूरा डिस्कस कर लेंगे और जुलाई का पूरा डिस्कस कर लेंगे, कल ये दोनों पक्का हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल